हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रसैक कर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रसैक कर्मणे श्लोक नंबर 61 श्रौति कर्तुं स्वपक्षन्ते कोशमन्नमयं तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजग्निरे नेक्स्ट जीवात्मनिर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्त एवात्मा इत्याहुर्लोकायतापरे विद्यानमुनि अब एक एक करके दर्शाते हैं जो अहम बुद्धि हम करके बैठे हैं जीव भाव में हम बैठे हैं तो वो जीव भाव जो है वो जीव भाव में जो अहम बुद्धि हमने करके रखी है तो कहां अहम बुद्धि है हमारी और जहां जहां अहम बुद्धि है
उसी को आत्मा मानते हैं। कौन? लोकायताह। लोकायताह माने कि लौकिक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जो चलते हैं, उनके लिए शास्त्र कोई प्रमाण नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। और कल हमने देखा उनका जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सही में तो प्रत्यक्ष प्रमाण का आभास मात्र है। तो वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण के आभास के आधार पर जो वो लोग सिद्धांत बनाते हैं, तो कल हमने देखा विरोचनस्य सिद्धांतम देह अन्नमयम देहमय। अब देखो ये अन्नमय जो है, देहमय जो है, वही आत्मा है। तो स्थूल देह को ही वो आत्मा मान के चलते हैं। अब उससे आगे भी है, तो जो लोग स्थूल देह में है तो वो चारवाग लोग ही, वो लोकायता ही है। लेकिन वो लोकायता के लोग भी उनके जो स्थूल देह को आत्मा मान के चल रहे हैं उनके लिए एक तर्क देते हैं। तो आगे अगले श्लोक में दर्शाते हैं जीवात्म निर्गमे देह मरणस्यत्र दर्शनात्। दर्शनात् माने कि प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखते हैं क्या, जीवात्म निर्गमे, इस शरीर से जब जीवात्मा निकल जाता है, तो जीवात्मा जब निकल गया तब क्या आता है, देह मरणस्य, ये देह जो है वो मृत शरीर बन जाता है। देह अतिरिक्त एव आत्मा इति आहुः, और इसीलिए आत्मा जो है वो देह से अतिरिक्त है, स्थूल देह आत्मा नहीं है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष प्रमाण में देखते हैं कि जब प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर जो है वो मरण हो जाता है, उसका मृत शरीर है वो, और इसलिए कहते हैं देह मरण से, ये स्थूल देह के मरण को हम देखते हैं। और इसीलिए आप लोग जो कहते हैं कि स्थूल देह जो है वो आत्मा है, वो ठीक नहीं है, स्थूल देह आत्मा नहीं, आत्मा तो देह से व्यतिरिक्त, स्थूल देह से अन्य, व्यतिरिक्त माने कि अन्य आत्मा है। अब वो जो अन्य आत्मा है, तो वो आत्मा कैसे, देह से व्यतिरिक्त आत्मा जो आप दर्शा रहे हैं वो कैसे है, उनके लिए तो शंका करते हैं। तो आगे का श्लोक में सब देखो, ये श्लोक में ज्यादा कुछ है नहीं, एक एक करके विद्यामणि दर्शाते हैं कि एक ने कह दिया स्थूल देह आत्मा है, अब दूसरे ने आके कहा नहीं नहीं, यहां से जब प्राण छूट जाते हैं तो ये मरण, ये शरीर का, देह का मरण हो जाता है, ये मृत शरीर बन जाता है, और इसलिए आत्मा देह से व्यतिरिक्त है। आगे श्लोक, प्रत्यक्षे प्रत्यक्षत्वेन अभिमता अहम धीर देहातिरेके अतिरेकिणम, प्रत्यक्षेत्वेन अभिमता अहम धीर देहातिरेकिणम गमयेन्द्रिय गमदे गमयेद इंद्रियात्मानम गमयेद इंद्रियात्मानम वच्मित्यादि प्रयोगतः वच्मित्यादि प्रयोगतः। अब जो ये मानता है कि आत्मा देह से व्यतिरिक्त है, लेकिन वो आत्मा क्या है, तो वो मानता है देह जो है गमयेद इंद्रियमा इंद्रिय आत्मानम, वो इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। जिस प्रकार से विरोचन ने कहा कि ये देह को रुष्ट पुष्ट करो, देह आत्मा है। अब जो दूसरा लोकायत जो है वो मानता है कि ये इंद्रिय ही आत्मा है। क्यों? प्रत्यक्षत्वेन अभिमता, प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देखते हैं स्थूल देह से भिन्न जो इंद्रिय जो है वो इंद्रिय आत्मा है। क्यों? वच्मी इत्यादि, देखो एक दृष्टांत देते हैं, इंद्रिय दस इंद्रिया है ना, पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांच कर्मेन्द्रिय है। तो बोलते हैं कि जो वागेन्द्रिय है वो वागेन्द्रिय में अहम बुद्धि करके वो क्या कहते हैं, वच्मी, मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं नहीं सु, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। अब तो इंद्रियों में अहम बुद्धि करके वो बोल रहा है, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। अब और इसलिए कहते हैं कि अहम बुद्धि कहां पर रखी है, वो इंद्रिय में आत्म बुद्धि करके बैठा है, और उसी को ही इंद्रिय को ही वो आत्मा मान के चल रहा है। तो ये अलग प्रकार से चारवाक लोग है, लोकायत है, वो लोकायत कहते हैं इंद्रिय आत्मा है, क्योंकि प्रत्यक्ष अभिमता, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है हमारा,
अभिमता माने की हम ऐसे समझते हैं, अहम दीहि देहातिरेकिनम, देह से भिन्न अहम बुद्धि है कहां पर, इंद्रिय में, गमये इंद्रियमात्मानम। और इसलिए कहते हैं कई लोग ऐसे हैं जो इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं और इंद्रियों को ही तुष्ट पुष्ट करने में पड़े हुए, देखो ज्यादातर लोग यही है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही पड़े हुए हैं। मैं कितना अच्छा भोग करता हूं, मैं कितना ज्यादा कर्म करता हूं, बस उसी से चलते हैं वो लोग। कर्म और भोग में पड़े हुए लोग जो है वो इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं और इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही सब करते रहते हैं। अब समझो, तो इंद्रियों को भोग कराना बस वही उनका काम है। देखो आगे इसलिए मैं कहते थे ये सब आसुरी संपत्ति है। इंद्रियों को कितना ज्यादा मैं तृप्त करूं, अब देखो ये कोरोना चल रहा है, एक वर्ष हो गया कोरोना को, लेकिन हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, ये भोजन वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ठेला वाले हैं, उनका कुछ नहीं है, क्यों, वो चलता रहता। लोगों को भोग भोजन करना, अब समझो उसी को ही हम जीवन मानते हैं, उसी में ही हम पड़े रहते हैं। आज क्या खाया, कल क्या खाएंगे, आज क्या देख के आए, अब मेरे वस्त्र कितने अच्छे हैं, अब तो इंद्रियों को तृप्त करने में ही वे बैठे हैं। क्यों, क्योंकि वो इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं और वो जान समझते हैं कि इंद्रिय आत्मा है और इसलिए हमारा जीवन जो है इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही समर्पित होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम शंका करते हैं, आप इंद्रियों को आत्मा मानते हैं लेकिन इंद्रियों आत्मा नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इंद्रियां जो है वो तो जड़ है। और इसीलिए आगे श्लोक में कहते हैं वागादीनाम इंद्रियाणाम, वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिषु श्रुतः, कलह श्रुतिषु श्रुतः तेन चैतन्यमेतेषाम, तेन चैतन्यमेतेषाम आत्मत्वं तत एव हि, आत्मत्वं तत एव हि। तो कहते हैं कि ये इंद्रिय तो जड़ है और इंद्रिय अगर जड़ है तो वो आत्मा कैसे हो सकती है। तो कहते हैं श्रुतिषु, श्रुति में देखने को मिलता है कलह श्रुतः बृहदारण्यक उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में ये एक प्रश्न उठा कौन श्रेष्ठ है। ये जो कार्यकरण संगात है, ये कार्यकरण संगात में कौन श्रेष्ठ है, प्रश्न उपनिषद में भी आता है। अब समझ, तो वो इंद्रियों में कलह हो गया, क्या कलह हुआ, झगड़ा क्या हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। सब बोल रहे हैं इंद्रिय, सब इंद्रिय, आंख बोल रही है मैं श्रेष्ठ हूं, कर्णेन्द्रिय कह रही है मैं श्रेष्ठ हूं, रसनेन्द्रिय कह रही है मैं श्रेष्ठ हूं। अब सब अपने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में पड़े हुए हैं। तब ये प्रश्न उठा, तो जब इंद्रियों का परस्पर ये विवाद होने लगा, अब तो जब इंद्रियों में इस प्रकार से विवाद हुआ है तो फिर ये जो चारवाक लोग हैं जो इंद्रियों को ही आत्मा मान के बैठे हैं, अब समझो, लेकिन वो जो चारवाक लोग जो है ये उनको अलग प्रकार से लेते हैं। देखो इसलिए कहे ना श्रौति कर तुम स्वपक्षंते, 61वें श्लोक में कहा कि अपने पक्ष को पुरवार करने के लिए ही वो क्या करते हैं, श्रुति का ही आश्रय लेते हैं। वो श्रुति क्या कहती है, ये जो इंद्रिय का कलह जो है उनका जो प्रयोजन है वो नहीं देखते हैं, अपने स्वपक्ष को सिद्ध करने के लिए ये श्रुति का आश्रय लेते हैं। और श्रुति का आश्रय लेके क्या कहते हैं, इंद्रिय जड़ है, हम कहते हैं इंद्रिय जड़ है, वो कहते हैं नहीं नहीं इंद्रिय जड़ नहीं है, क्यों, तो चारवाक लोग कहते हैं वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिषु श्रुतः, नहीं नहीं आपकी श्रुति में ही है, क्या है, कलह इंद्रियाणाम, वाग आदि इंद्रियों में ये कलह देखने को मिलता है, आपकी श्रुति में ही है।
अब कलह किसके बीच में होगा, पुस्तक और दीवार के बीच में क्या कलह हो सकता है? मोबाइल और टीवी के बीच में क्या कलह हो सकता है? वो तो जड़ है, जड़ में कभी कलह नहीं होता। कलह कहाँ होता है, झगड़ा कहाँ होता है? चेतन में होता है। तो देखो आपकी श्रुति कहती है कि इंद्रियों में कलह हो गया। अब जो कलह हुआ तो क्या हुआ, तेन चैतन्य में ते शाम, तो फिर आपकी जो इंद्रिय है वो तो चैतन्य हो गई, आत्मत्वम ततः एव ही। तो फिर इंद्रिय आत्मा है, क्यों? क्योंकि वो चेतन है, क्योंकि उनमें झगड़ा हो रहा है। अब देखो मैंने इसलिए आगे कहा कि ये लोग श्रुति को ही लेके श्रुति को अपने हिसाब से मरोड़ देते हैं। तो बोले कि इंद्रियों का कलह दर्शाया है और इसलिए इंद्रिय चैतन्य है। अब इंद्रिय चैतन्य है तो चैतन्य तो आत्मा है, और इसलिए कि आत्मत्वम एव ततः ही, और इस कारण से वो सब आत्मा ही है, चेतन है वो तो, और चैतन्य होने के कारण ही उनके बीच में झगड़ा हो रहा है। और इसलिए चारवाक लोग कहते हैं कि आपके उपनिषद में ही ये कलह की बात आती है, और इसलिए इंद्रिय चेतन चैतन्य है, और चैतन्य है इसलिए वो आत्मा है, चैतन्य आत्मत्वम। अब देखो एक कहता है स्थूल देह आत्मा है, दूसरा कहता है नहीं देह व्यतिरिक्त आत्मा है, और देह व्यतिरिक्त आत्मा जो है वो इंद्रिय है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय में भी चेतनता का प्रयोग है, और इसीलिए इंद्रिय आत्मा है। अब आगे देखो आगे कर हैरण्य गर्भ प्राणात्मा वादिनस्त्वेवमूचिरे, हैरण्य गर्भ प्राणात्मा वादिनस्त्वेवमूचिरे चक्षुराद्य चक्षुराध्यक्ष लोपेपि चक्षुराध्यक्ष लोपेपि प्राणसत्वे तु जीवति प्राणसत्वे तु जीवति। अब तीसरा चारवाक वो कहता है नहीं नहीं इंद्रिय आत्मा नहीं, कौन आत्मा है? प्राण, प्राण आत्मवादिनः, जो प्राण को ही आत्मा मान। और वो क्या कहते हैं ऊचिरे हिरण्य गर्भ प्राणात्मवादिनः, ये जो हिरण्य गर्भ है वो ही परमात्मा है, और ये प्राण जो है वो आत्मा है। क्यों? चक्षुरादि अल अक्षलोपेपि प्राण सत्वे। श्रुति माता में जो ये कलह दर्शाया है वह श्रेष्ठ कौन है ये दर्शाने के लिए इंद्रिया कहती है मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं, तो प्राण कहता है नहीं मैं श्रेष्ठ हूं। अब प्राण ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, तो सबने एक निश्चय कर लिया कि एक एक इंद्रिय जो है ये शरीर छोड़ के चली जाएगी। अब चक्षुर इंद्रिय है अक्षलोप, अक्षलोप कहा अक्षलोप माने कि एक इंद्रिय का लोप हो गया, एक इंद्रिय ने ये देह छोड़ दिया। अब चक्षुर इंद्रिय जो है चक्षुर इंद्रिय ने ये देह छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वे व्यक्ति अंध हो गई, जीवती एव, लेकिन उनका जीवन तो चलता रहता है, अंध व्यक्ति भी जीती है, वो पढ़ती भी है खाती भी है अपना जीवन जी रही है। तो देखा चक्षुरेंद्रिय ने भी देखा कि मेरे बिना भी उनका जीवन तो जीवन व्यवहार चल रहा है, वो वापस आ गई। अब कर्णेंद्रिय ने कहा मेरे बिना नहीं चलता है, वो निकल गई। अब जो व्यक्ति था वो क्या हो गया, वो सुन नहीं सकता है, कर्णेंद्रिय है नहीं उनके पास, बधिरा, लेकिन उनका भी व्यवहार चल रहा है, वो स्पर्शेंद्रिय द्वारा चक्षुरेंद्रिय के द्वारा अपना व्यवहार करता रहता है। तो एक एक इंद्रिय निकल गई लेकिन उनका जीवन व्यवहार वैसे ही चलता रहा। अब जब सब इंद्रिय का हो गया त
तो प्राण ने कहा चलो अभी आप लोग निकल गए लेकिन जीवन व्यवहार चलता रहा, अब मैं निकलता हूँ। प्राण कहता है मैं निकलता हूँ। अब प्राण ने जब निकलने की तैयारी की तो क्या हुआ, प्राण निकला नहीं, आप समझना, निकल गया तो फिर गया। मात्र ये शरीर छोड़ने की तैयारी प्राण करने लगा। चक्षुरादि अलोक्षेपी प्राण सत्वे तु जीवति। प्राण होने के कारण इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय न होने पर भी प्राण होने से प्राण सत्वे जीवति एव, प्राण होने से उनका जीवन व्यवहार चलता रहता है। अब समझो, अब उपनिषद में ये आख्यायिका जो है उसमें कहते हैं कि जब प्राण ने तैयारी कर ली, ये शरीर मैं छोड़ रहा हूं, अब जब प्राण ने शरीर छोड़ने की तैयारी कर ली तो एक एक इंद्रिय भी क्या हो गई, प्राण के साथ जुड़ने लगी। तो इंद्रियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मत निकलो, आप निकल जाएंगे तो हम भी यहां से निकल जाएंगे। मानी आप जब तक, प्राण जब तक ये शरीर में है तब तक इंद्रियां ये शरीर में रह सकती है। और इसलिए कहते हैं प्राण सत्वे तु जीवति। अब देखो इंद्रिय भी ये शरीर में प्रवृत्ति कर रही है प्राण के कारण है, मैं बोल रही हूं प्राण के कारण, आप देख रहे हैं प्राण के कारण है, श्रोण सुन रहे हैं प्राण के कारण। और इसीलिए कहते हैं ये जो प्राणात्मवादी न है, प्राण को ही आत्मा मानने वाले जो है वो कहते हैं इंद्रिय आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा है, क्योंकि प्राण है तब तक ये शरीर चेतन रहता है, प्राण है तब तक ये इंद्रिया सब प्रवृत्ति कर सकती है, प्राण नहीं रहेगा तो इंद्रिय भी नहीं रहेगा, ये देह भी जीवंत नहीं रह सकता। और इसलिए कहते हैं प्राण के अस्तित्व से ही ये शरीर जीवंत रह सकता है, और इसीलिए प्राण ही आत्मा है। आगे कहते हैं वो प्राण क्यों है, प्राणो जागर्ति सुप्ते भी, प्राणो जागर्ति सुप्ते भी प्राण श्रेष्ठ्यादिकं श्रुतं, प्राण श्रेष्ठ्यादिकं श्रुतं, कोश प्राणमयः सम्यक् विस्तरेण प्रपंचितः विस्तरेण प्रपंचितः। अब देख प्राण ही आत्मा है, क्यों, क्योंकि प्राण कैसा है, जागृति सुसुप्ते भी, आप जागृत अवस्था है जहां देह भी है इंद्रिया भी है मन है बुद्धि है तब भी ये प्राण है, सुषुप्ते सुप्ते भी आप सो जाते हैं, निद्रा अवस्था में ये स्थूल देह नहीं है वहां पर, निद्रा अवस्था में इंद्रिया भी सो गई है मन भी सो गया है बुद्धि भी सो गई है लेकिन प्राण चलता रहता है। आप देखो जागृत अवस्था में भी प्राण की प्रवृत्ति हो रही है, सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण की प्रवृत्ति तो है, और इसलिए कहते हैं प्राण जागृति सुषुप्ते भी प्राण श्रेष्ठादिकम श्रुतम, और इसलिए प्राण की श्रेष्ठता हम सुनते हैं, श्रुति में भी कहते हैं कि प्राण श्रेष्ठ है, क्यों, जागते हैं तब भी प्राण है, सो जाते हैं तब भी प्राण तो चलते रहते हैं। देखो इसीलिए मैं कहती हूँ पंच प्राण अपनी प्रवृत्ति करते रहते हैं, आप सो जाओ आप जागते हो उनका कोई संबंध नहीं, आप भोजन करके सो गए वो समान वायु है प्रवृत्ति करता रहता है, समान वायु के कारण ये सब पाचन हो जाता है, आपने जो भोजन किया है वो भोजन पच जाता है, और इसलिए सुबह आप उठते हैं तब आपको भूख लगती है। अब देखो तो रात को भी प्राण तो प्रवृत्त है, श्वास उच्छ्वास भी चल रहे हैं, हृदय भी चल रहा है, समान वायु भी प्रवृत्त है और अपान वायु भी शरीर से हर एक प्रकार की जो मलिनता है उनकी निवृत्ति करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जागते हैं तब भी प्राण प्रवृत्त है, सो जाते हैं तब भी प्राण प्रवृत्त रहता है, और इसलिए प्राण ही आत्मा है। कोशमय प्राण सम्यक विस्तरेण प्रपंचित, और इसलिए जो प्राणमय कोश है उनकी विस्तृत चर्चा हमें देखने को मिलती है, शास्त्र में भी ये पंच प्राण की चर्चा है,
प्राण अपान की चर्चा है, समान व्यान की चर्चा है, उदान वायु की भी चर्चा है, और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में इंद्रिय आत्मा नहीं है, शास्त्र में प्राण ही आत्मा है, क्योंकि प्राण की श्रेष्ठता भी हम सिद्ध करते हैं और प्राण की विस्तार पूर्वक चर्चा भी हम कर रहे हैं, और इसलिए जो प्राणमय कोश है वो प्राण ही आत्मा है। अब इंद्रियों और विरोचन की जो आख्यायिका उसी में भी वही है, इंद्रियों को फिर कह दिया प्राणमात्मा। तैतरी उपनिषद में भृगुवल्ली में भी वही है, प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात। अब भृगुर्वै वारुणिहि, ये भृगु है जो वरुण का पुत्र है, वो भृगु जो है अपने पिता वरुण के पास गए, अधीहि भगवो ब्रह्मेति, तो वरुण जो गुरुजी है आचार्य है, वो आचार्य वरुण जी ने कहा प्राणम ब्रह्मेति, प्राण ब्रह्म है आप करो, और इसीलिए श्रुति भी कहती है कि प्राण ब्रह्म है, और श्रुति भी विस्तार से चर्चा करती है कैसे ये प्राण के कारण जीवन संभव है, और इसीलिए प्राण ही आत्मा है। स्थूल देह आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है, अभी ये तीसरा कहता है प्राण आत्मा है। अब चौथा जो है आगे कर, मन आत्मेति मन्यन्ते, मन आत्मेति मन्यन्ते उपासन पराजनाः, उपासन पराजनाः प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा, प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः, भोक्तृत्वं मनसस्ततः। देखो उनके पास भी अपना तर्क है, अब वो कह रहा है प्राण आत्मा नहीं है, क्या आत्मा है, मन आत्मा इति मन्यन्ते। अब ये चौथा जो है वो भी चार्वाक है, लोकायत है, लेकिन वो कहता है मन आत्मा है, क्यों, अब समझो मन इसलिए आत्मा है प्राणस्य अभोक्तृता, प्राण चल रहे हैं लेकिन प्राण के अपने लिए चल रहे हैं नहीं, ये जीवन जो है हम जीवन में भोग करते हैं, अब जीवन में जब हम भोग करते हैं तो ये भोग प्राण के लिए है क्या, नहीं, हमारे मन को तृप्त करने के लिए है, तो प्राण प्रवृत्ति करता है, प्राण भोजन को पचाता है, पाचन क्रिया प्राण कर रहा है, लेकिन वो पाचन क्रिया के द्वारा जो भोग है वो भोग प्राण कर रहा है नहीं, प्राणस्य अभोक्तृता, अब समझो प्राण भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो कौन है, मन भोक्ता है, और इसलिए कहते हैं मनसः भोक्तृत्वं स्पष्टा, ये स्पष्ट है, प्राण भले ही पाचन क्रिया कर रहा है लेकिन जो भोग जो करने वाला है वो तो मन है, इंद्रिय से जो हमें मिल रहा है, इंद्रिय प्राण के कारण इंद्रिय प्रवृत्त है, लेकिन इंद्रिय जो विषय ला रही है वो प्राण भोग रहा है नहीं, इंद्रिय विषय किसको दे रही है, मन को दे रही है, समझते हो, इंद्रियों के द्वारा जो पंच विषय का ग्रहण होता है वो पंच विषय को भोगने वाला तो मन है, प्राण जो पाचन क्रिया कर रहा है वो पाचन क्रिया में जो भोग है वो किसके लिए है, मन के लिए है, और इसलिए कहते हैं प्राण में भोक्तृत्व नहीं है, और इसीलिए प्राण आत्मा नहीं हो सकता है, अब समझ, तो आत्मा कौन है, मनसः भोक्तृत्वम्, भोक्तृत्व तो मन में है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, मन को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं, मन को संतुष्ट करने के लिए हम कर रहे हैं, और इसलिए मन ही आत्मा, ये चौथा वाला। इस प्रकार से स्थूल शरीर इंद्रिय प्राण और मन को ही आत्मा वो मान रहे हैं, अब मन आत्मा है आप क्यों कहते हो, और इसीलिए वो श्रुति प्रमाण हमें कहते हैं, आगे का श्रुति
मन एव मनुष्याणाम मन एव मनुष्याणाम कारणं बंधमोक्षयोः कारणं बंधमोक्षयोः श्रुतो मनोमयः कोशः श्रुतो मनोमयः कोशः तेनात्मेतीरितं मनः तेनात्मेतीरितं मनः। बोले नहीं नहीं नहीं, प्राण आत्मा नहीं है, मन आत्मा है। क्यों? ये मनुष्य को जो भी कोई बंधन का अनुभव हो रहा है या मोक्ष का भी जो अनुभव हो रहा है वो किसके कारण है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मनुष्य का बंधन का कारण मन है, ये मनुष्य का बंधन का कारण मोक्ष का कारण भी मन ही है, और ये इसीलिए मन ही आत्मा है। क्यों? श्रुतः मनोमयः कोशः, और सुनने भी आता है, अन्योन्तरात्मा मनोमयः। तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं कि प्राण से भी सूक्ष्म प्राण से भी व्यापक मनोमय कोश है, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। और इसलिए कहते हैं मन ब्रह्म है, आप सोचो, और इसीलिए उपनिषद में कहते हैं मन ही आत्मा है, क्योंकि अन्योन्तरात्मा प्राणमय है, अन्योन्तरात्मा मनोमय है, और वही मन को आचार्य वरुण क्या कहते हैं, मनो ब्रह्मेति व्यजानात। ये मन ही ब्रह्म है, मन ही आत्मा है, ऐसा आप चिंतन करो। और इसलिए कहते हैं ये मन है, मन में ही ये सब है, भोग करने वाला भी मन है, वैराग्य करने वाला भी मन है, और वैराग्य के द्वारा मोक्ष जिसको प्राप्त होता है वो मोक्ष का कारण भी मन ही है। जो भोग में पड़ा हुआ वो बंधन में पड़ा हुआ है, जो वैराग्य करके ये मोक्ष के प्राप्ति के प्रयत्न कर रहा है वो भी मन ही है। अब से जो अनुभव हो रहा है वो तो मन को हो रहा है, और इसीलिए मन ही आत्मा है। देखिए ये सब चर्चा दक्षिणामूर्ति में भी आती है, देहेन्द्रिय मनोबुद्धिरा। अब वो मन को आत्मा मान रहा है, तो उसके लिए एक दूसरा है, पांचवा, वो क्या कहता है, विज्ञानमात्मेति परः आहुः क्षणिकवादिनः, विज्ञानमात्मेति पर आहु क्षणिकवादिनः, यतो विज्ञानमूलत्वं यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटं मनसो गम्यते स्फुटं। बोले नहीं नहीं नहीं, मन आत्मा नहीं, तो अन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः, विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मन आत्मा नहीं है, विज्ञान जो है बुद्धि है वो आत्मा है। अविज्ञानमात्मेति पर आहु, पर माने अन्य, अन्य लोग कह रहे हैं परे आहु, वो कौन है, क्षणिकवादिनः, ये क्षणिकवादी है। बौद्ध धर्म में दो प्रकार के लोग हैं, एक शून्यवादी है, दूसरा क्षणिकवादी है। क्षणिकवादी माने कि वो कहते हैं आत्मा क्षणिक है, आत्मा आता है जाता है, आता है जाता है। तो ये क्षणिकवादी कहते हैं ये विज्ञानमय है, वो ही आत्मा है। यतः विज्ञान मूलत्वं मनसः गम्यते स्फुटम्। क्यों? क्योंकि ये मन जो है, मन जो है, मन का जो मूल है, विज्ञान मूलत्वम, मन भी बुद्धि के आश्रित है, निर्णय करने वाली तो बुद्धि है, और इसीलिए मन भी बुद्धि पर आश्रित है। क्या भोजन करना है, क्या भोजन नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये सब जो है निर्णय करने वाली तो बुद्धि है। मन भोग कर रहा है, लेकिन निर्णय कौन कर रहा है, निश्चय किसका है, बुद्धि का है। लेकिन बुद्धि स्वयं कैसी है, वो अनेक वृत्तियों की बनी हुई है, अनेक वृत्तियां वहां पर है, और अनेक वृत्तियां के कारण वो क्षणिक है। एक एक वृत्ति, एक वृत्ति आती है जाती है, वृत्ति आती है जाती है, वृत्ति आती है जाती है,
और इसीलिए ये कहते नहीं नहीं आत्मा क्षणिक है, ये क्षणिकवादी जो है वो कहते हैं आत्मा क्षणिक है, क्योंकि वो बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, बुद्धि को आत्मा मान के कहते हैं ये आत्मा जो है वो क्षणिक है, क्योंकि वृत्ति क्षणिक है। इस प्रकार से ये पांचवा जो है वो कहता है नहीं नहीं ये बुद्धि आत्मा है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है विज्ञानमात्मेति विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये विज्ञान ही ब्रह्म है, विज्ञान ही आत्मा है। अब ये जो विज्ञानवादी जो है उसको विज्ञानवादी भी कहते हैं, ये क्षणिकवादी भी कहते हैं। तो ये बौद्ध धर्म में विज्ञानवादी जो क्षणिकवादी जो है उसको योगाचार ऐसा कहते हैं, एक नाम है, इसमें आप ज्यादा मत पढ़ो। तो वो मानते हैं कि हर एक वृत्ति उत्पन्न होके जाती है, वो वृत्ति ही आत्मा क्षणिक आत्मा है। अब वो जो क्षणिक आत्मा है वो कैसे है, तो उसको समझाने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं अहम वृत्तिरिदं वृत्ति अत्यंतःकरणं द्विधा अत्यंतःकरणं द्विधा विज्ञानं स्यादहं वृत्तिः विज्ञानं स्यादहं वृत्तिः इदं वृत्तिर्मनो भवेत् इदं वृत्ति मनो भवेत् इदं वृत्तिर्मनो भवेत्। देखो आगे हम देख के गए क्या कहते हैं कि अंतःकरण में दो प्रकार की वृत्ति है, इति अंतःकरणम् द्विधा, ये दो प्रकार के अंतःकरण है, एक में अहम वृत्ति है, दूसरी में इदम वृत्ति है। और जो बुद्धि है विज्ञानम स्याद अहम वृत्ति ही, जो विज्ञान है जो बुद्धि है वह अहम बुद्धि है, जो मन है वह इदम वृत्ति है। तो जहां अहम वृत्ति है उसी को तो आत्मा कहेंगे ना, जहां इदम वृत्ति है उसको हम आत्मा नहीं कह सकते, इदम वृत्ति तो विषय कोटि में गया, और इसलिए मन आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि मन में तो इदम वृत्ति होती है और बुद्धि में अहम वृत्ति होती है, और इसलिए बुद्धि ही आत्मा है। देखो ये क्षणिकवादी का तर्क है, आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं अहम वृत्ति जो आत्मा है वो तो बुद्धि है, और इसीलिए मन की इदम वृत्ति के कारण मन आत्मा नहीं है, बुद्धि में अविज्ञान में अहम बुद्धि के कारण विज्ञान आत्मा है। अब देखो आगे वो कहता है अहम प्रत्यय बीजत्वम इदम वृत्तेरिति स्फुटम अविदित्वा स्वात्मानम् बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित अब ये अहम वृत्ति और इदम वृत्ति आप क्यों कह रहे हो, अब समझो। तो कहते हैं अहम प्रत्यय बीजत्वम इदम वृत्ते है बीजत्वम, इदम वृत्ति का जो बीज है वो इदम वृत्ति का जो बीज है वो तो बुद्धि में है, अहम बुद्धि में है। अहम प्रत्यय जो है वही तो इदम वृत्ति का बीज है, माने कि अहम बुद्धि के कारण ही ये इदम वृत्ति उत्पन्न होती है। अविदित्वा स्वमात्मानम, वो आत्मा को न जान के वो बाह्य वृत्ति करके बैठे हैं, और बाह्य पदार्थ भी जो है बाह्यम वेत्ति न तु क्वचित, अहम आत्मा को जाने बिना ही कोई बाह्य विषय को जान सकता है क्या, नहीं जान सकता है। तो अहम बुद्धि जो है वो अहम बुद्धि के कारण ही तो हमें ज्ञान होता है, अहम बुद्धि है इसी के कारण तो हमें ये बाह्य विषय का ज्ञान होता है, इदम वृत्ति का ज्ञान होता है, मन का ज्ञान होता है, इंद्रिय का ज्ञान होता है, बाह्य विषय का भी हमें ज्ञान हो रहा है, और इसीलिए ये अहम वृत्ति जो है ये अहम वृत्ति ही आत्मा है जो बुद्धि है।
और उसके जाने बिना ये बाहर के विषय का ज्ञान संभव ही नहीं है। और इसीलिए देखो, इसीलिए मन में तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते हैं, इंद्रियां पांच विषय मन में लाते हैं, लेकिन विषय लाने के बाद मन जो संकल्प विकल्प करता है, लेकिन जब तक बुद्धि निर्णय नहीं करती है कुछ नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का जो अंतकरण है उसमें जो वृत्ति जो उदय होती है, वो वृत्ति उदय कब होती है? वो अहम बुद्धि होती है तब तो होती है ना। अहम बुद्धि है, अहम वृत्ति है, तो अहम वृत्ति के कारण ही वो मन में इदम वृत्ति है, और इदम वृत्ति के कारण ही हम विषय ग्रहण कर सकते हैं, समझ गए। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से स्पष्ट हमको समझ में आता है, विदित्वा स्वात्मानं बाह्य वेत्तिम न तु क्वचित। और इस प्रकार से ये सब मैं हूं, सबको जानने वाला तो मैं हूं, जानने वाला मन नहीं है। आप समझो, मन संकल्प विकल्प करता है, जो जानने वाला है विज्ञानम। अब देखो, और इसलिए कहते हैं ये जो विज्ञान जो है, ये जो अहम वृत्ति जो है, वो अहम वृत्ति ही आत्मा है, मन नहीं है। मन तो एकदम वृत्ति है, क्योंकि ये अहम वृत्ति के बिना, अहम वृत्ति को जाने बिना ही स्वात्मानम अविदित्व, अविदित्व मानी जाने बिना, और अहम वृत्ति को जाने बिना ही हम बाह्य विषय को ग्रहण कर ही नहीं सकते। और इसीलिए मैं बुद्धि हूं और बुद्धि आत्मा है। और इसलिए जो क्षणिकवादी वो कहते हैं कि मन आत्मा नहीं है, बुद्धि जो है, जो क्षणिक बुद्धि जो है, वो क्षणिक बुद्धि ही आत्मा है। इस प्रकार से क्षणिकवादी के बारे में कहते हैं। अब आप क्षणिकवादी क्यों कहते हैं, विज्ञानवादी कह दो आपको, क्योंकि विज्ञान जो बुद्धि है उसी को वो आत्मा मान रहा है, और इसीलिए विज्ञानवादी है वो, तो आप ये क्षणिकवादी क्यों कहते हो? तो आगे के श्लोक में समझाते हैं कि जो विज्ञानवादी है वो क्षणिकवादी क्यों है। आगे के श्लोक, क्षणे क्षणे जन्मनाशौ, क्षणे क्षणे जन्मनाशौ, अहम वृत्तेर्मितौ यतः, अहम वृत्तेर्मितौ यतः, विज्ञानं क्षणिकंतेन, विज्ञानं क्षणिकंतेन, स्वप्रकाशं स्वतो मितेः, स्वप्रकाशं स्वतो मितेः। क्षणे क्षणे जन्मनाशौ अहम वृत्तेः, मैंने आगे कहा ये अहम वृत्ति जो है उनका जन्म और नाश सतत हो रहा है। एक वृत्ति उठती है, रहती है, शांत हो जाती है, एक वृत्ति उठती है, क्षण एक क्षण रहती है और वो शांत हो जाती है। और इसलिए कहते हैं हरे क्षण, क्षण एक क्षण, हरे क्षण ये वृत्ति, अहम वृत्ति उत्पन्न होती है और नाश हो जाती है। और इसीलिए मितौ यतः, वो क्षण मात्र है, एक क्षण के लिए वो रहते हैं, और इसीलिए हम उसको क्षणिकवादी कहते हैं। विज्ञानम क्षणिकम तेन, और इस प्रकार से ये जो बुद्धि है, वो बुद्धि जो है वो क्षणिक मात्र, एक क्षण के लिए रहती है। तेन स्वप्रकाशम स्वतः मिते है, स्वतः स्वतः मिते है स्वप्रकाशम, उसको दूसरे मन जो है, मन के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, इदम वृत्ति के लिए अहम वृत्ति की आवश्यकता है, लेकिन अहम वृत्ति जो है कैसी है? स्वप्रकाशम, वो अपने आप को जानती है। उनका जन्म हुआ स्वप्रकाश है, वो नाश हो गई, वापस उसका जन्म हुआ नाश हो गई। और इसलिए कहते हैं मितौ यतः, मितौ माने जानते हैं, जो क्षणिकता है वो जानते हैं, उनका जन्म हुआ नाश हुआ, जन्म हुआ नाश हुआ, जन्म हुआ नाश हुआ। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो क्षणिकवादी जो है, वो क्षणिकवादी इसीलिए है क्योंकि वो जो क्षणिक वृत्ति, जो विज्ञानमय कोश में जो क्षणिक वृत्ति उत्पन्न होती है, वो अहम वृत्ति है, वो अहम वृत्ति को ही आत्मा मानता है, और वो आत्मा जो है वो क्षणिक है, और इसीलिए उसे हम क्षणिकवादी कहते हैं। आगे हम कल देखें। ओम स
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।